से सुन ना पाने के कारण द्रोणाचार्य जैसे महारथी अगर मारे जा सकते हैं तो हमारा आप क्या है? सुनो, हमेशा लोगों के लिए वो काम करो जो आप सुनना पसंद करते हो। एक अच्छा लीडर वही है जो एक अच्छा लिसनर है। ये क्वालिटी ना बहुत कम लीडरों के अंदर होती है और मुझे लगता है कि लीडरशिप के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, लेकिन ये क्वालिटी बहुत कम लीडरों के अंदर होती है। हम अपनी जिंदगी में मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने में फेल क्यों होते हैं? रीजन ये है कि हम सुनना नहीं चाहते। दुनिया में सुनाना हर कोई चाहता है, लेकिन सुनना, जब आप सुनेंगे नहीं ना तो आप एग्जैक्टली पता ही नहीं कर पाएंगे कि किसी की प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा होता होगा आपकी लाइफ में कि कोई लीडर अपनी समस्या लेके आपके पास आता है, हम बिना सुने उसको डांट देते हैं, या हमारे पास फोन कर दिया अविनाश गुप्ता जी ने कि सर ये आजाद जो है ना बड़ा अनसिस्टमेटिक है, कई दिनों से इसको फोन कर रहा हूं पता नहीं चल रहा है सर, जब फोन करें तो थोड़ा सा आप भी झाड़िएगा। अब आजाद ने मेरे पास फोन किया कुछ ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए, मैंने क्या किया, इनकी बातें सुनकर उसको झाड़ दिया। क्या पता इन दोनों का कुछ गड़बड़ी हो या अविनाश गुप्ता ही गड़बड़ हो। यस या नो? एनालिटिक सही वही कर सकता है, कमांडिंग सही वही दे सकता है जिसके अंदर सुनने की क्षमता हो। तो जब भी कोई आपसे किसी भी प्रकार की बात करे, देखिए सुनने की कैपेसिटी न सिर्फ केवल लीडरशिप के लिए, केवल इनिशियल स्टेज के लिए नहीं, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो आपकी टीम आपसे कोई भी बात अगर कहती है तो एटलीस्ट उसको सुनिए। बिना सुने डांट देने से कई बात गड़बड़ भी हो जाती है। महाभारत का कहानी आप सभी लोगों ने सुना होगा, द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान नहीं था। सबसे वीर योद्धा महाभारत के, जब धनुष उठाए तो पांडवों के छक्के छुड़ा दिया द्रोणाचार्य। भाई गुरु तो गुरु होता है, यस या नो? अपलाइन तो अपलाइन होता है। अब अपलाइन के विरोध में कोई युद्ध लड़े तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई सोचे कि यार अपलाइन खड़ा है और मैं नीचे से टीम खिसका लूं, संभव है क्या? अपलाइन तो अपलाइन होता है, क्योंकि जैसे आप कमांडिंग रखते हो उसकी भी तो कमांडिंग होती है। द्रोणाचार्य ने जब युद्ध के लिए शस्त्र उठाया, छक्के छुड़ा के रख दिए, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। दिन भर युद्ध चला, शाम को सारे लोग शिविर में आए। अब सवाल यह था कि अगर द्रोणाचार्य जिंदा रहे तो जिंदगी में कभी भी पांडव युद्ध नहीं जीत सकते, तो क्या करना पड़ेगा? बोला कुछ ना कुछ कमी तो ढूंढनी पड़ेगी। उनका एक बेटा था, नाम था सोथामा, सुना है ना? नाम था उसका अश्वत्थामा। अब यह था कि किसी भी तरीके से, द्रोणाचार्य उसको बहुत प्यार करते थे अपने बेटे को, लोगों ने योजना बनाई, प्लानिंग बनाया कि किसी भी तरीके से ये न्यूज पहुंचा दिया जाए द्रोणाचार्य के पास कि अश्वत्थामा मारा गया, और जब अश्वत्थामा मारा जाएगा तो ऑटोमेटिकली द्रोणाचार्य हतोत्साहित हो जाएंगे, हस्प्रद हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और निराश इंसान जिंदगी में कभी युद्ध नहीं जीतता। लेकिन बोले कौन? चयन किया गया, सबसे सत्यवादी थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बुलाया गया, युधिष्ठिर बोले यार मैं तो असत्य बोलता नहीं हूं। बोले यार कृष्ण जी ने बताया कि भाई साहब ऐसा है, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, हम लोग उस हाथी को मार दे रहे हैं, आपको यही बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी या इंसान कुछ पता नहीं। युद्ध शुरू हुआ, हल्ला मचा दिया गया, जैसे हल्ला हो जाता है फलना कंपनी भाग गई, ये लीडर उस कंपनी में चला गया, हल्ला होता है नहीं होता है, ऐसे हल्ला हुआ चारों तरफ फेसबुक व्हाट्सएप पे कि अश्वत्थामा मारा गया। उस समय फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं, जो जो से लोग शोर मचाना शुरू किए, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा। उन्होंने बोला मुझे विश्वास नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अगर रियल ऐसा है युधिष्ठिर जरूर बताएंगे। पूछा युधिष्ठिर से, पूछा गया तो युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर या गज हमें पता नहीं, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया तक तो सब ठीक था, उसके बाद जो जो से सबने
शंख बजाना शुरू किया, डमरू पीटना शुरू किया, ढोल बजाना शुरू किया। जैसे अपने कई लीडर कैसे होते हैं, कोई कुछ बोले तो सुनते ही नहीं। अब बेचारे उनके दिमाग में यही चला गया, वो पूरी बात सुन नहीं पाए, वजह जो भी रही हो उनके दिमाग में चला गया कि अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने तुरंत अस्त्र फेंक दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि बेटा यही टाइम है, उठा धनुष, लगा निशाना और खत्म हो गया। क्या द्रोणाचार्य पूरी बात सुने होते हैं, क्या कभी निराश होते हैं? क्या कभी धनुष रखते क्या? रखते क्या? अपलायन ने बोला, सर आपकी ट्रेनिंग है, इस बार की ट्रेनिंग आप कर लेना, मैं बीमार हूं। अब मैं बीमार हूं कोई सुनता नहीं। जैसे बोला, आप क्या बात कर रहे हैं सर, आपने टाइम दिया था सर, हर बार ऐसी चलता है सर। कभी कभी आधी अधूरी बातें ना दुनिया में, जिंदगी में ना बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। जैसे हम दुनिया में हर इंसान किसी को सुनाना ज्यादा पसंद करता है सुनने से ज्यादा, जैसे ना, लेकिन लीडर्स एक अच्छा वही है जो लोगों की सुने। हमेशा लोगों के लिए वो काम करो जो आप सुनना पसंद करते हो। आप अक्सर देखते हैं, आपके पास कोई आया, बोला भाई साहब आपके चाचा के जो, आपके जो पिताजी के जो दादाजी थे ना, उनके नाम से 125 करोड़ की कहीं पे संपत्ति रखी हुई है, बैंक उसको हवाले कर रहा है, खोज रहा है बारिश कहाँ है। अब अगर तबीयत भी खराब हो, चीज अच्छी है तो क्या मन करता, उठ के बैठ जाते हैं, हाँ भाई बताइए वो कौन से सब, तेरे चाचा थे, कैसे थे, क्या थे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज्यादा दीजिए। जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है उसको सुनने में हमारा ध्यान, हमारा मन तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन दूसरे के इंटरेस्ट में हम कभी ध्यान नहीं लगाते, कभी सुनते नहीं। कई बार आपकी टीमें आपके पास आएगी जो अपना दुख दर्द रोएगी, ऐसे समय में अगर आप अच्छे लीडर हो उनको सुनो। सुनने की कैपेसिटी जिसके अंदर होती है ना, वो प्रॉब्लम की गहराई तक बहुत आसानी से पहुंचता है। आपकी टीम में कोई बंदा है जिसको आपने बुलाया काउंसलिंग के लिए, मैं हमेशा बोलता हूं एक अच्छा काउंसलर वही है जो बोलता कम सुनता ज्यादा है। सुनिए उसकी प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, वो आपसे क्या चाहता है ये सुनो तो सही। हम सुनते नहीं, आधे पे रोकते हैं, चुप, अपना सुनाना शुरू कर देते हैं, तो मन की भड़ास जो है ना वो नहीं निकलती। हमारे एक मित्र हैं, वो एसपी हैं अभी, आईपीएस हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बोला अमित पता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है और मैं किस चीज को फॉलो करता हूं। मैंने पूछा सर किस चीज को आप सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, बोले मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेके आती है, वो समस्या मेरे से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन मैं सुनता जरूर। क्या बोला उन्होंने, समस्या कोई भी हो, मेरे से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन मैं सुनता जरूर हूं। अब आपकी टीम में कोई लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, बेचारा कहेगा तो कहां कहेगा, आपके पास आ जाता है रोते हुए, गुरु जी दिल में दर्द है, सुनना है उस समय, डांटना नहीं, साले मना किया था ना तुझे, समझ में आ रहा है? Yes. सुनने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, याद रखिएगा। लिसनर एटीट्यूड बहुत कम लोगों के अंदर आती है। किसका किसका सुनना है, सबसे पहले सुनना है अपने अपलाइन की, कई लोग अपलाइनों की नहीं सुनते हैं। सबसे पहले किसका सुनना चाहिए, अपलाइन की, दूसरा अपने डाउनलाइन की, जो आपके फॉलोअर है उनकी भी सुनिए, जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनकी भी सुनिए, और अपने कंपटीटर की भी सुना करो। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि सामने वाला कोई गलत इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहा है, कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि गलत इंफॉर्मेशन कैसे दिया जा सकता है। यस या नो? लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है लिसनर। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपके अंदर कुछ आएगा नहीं, और जब तक आएगा नहीं तब तक बोलोगे क्या? समझ में आ रही है बात? कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम लेके आपकी टीम आपके पास आती है, पहले सुनो, एनालाइज करो, विवेक अपनाना है, ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन तब आपको कुछ बोलना है। कई लोग कुछ भी बोल देते हैं,
जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि दो लोग बात कर रहे हैं, अब आधा अधूरी बात पकड़े उसके बेसिस पे कुछ बोल देते हैं, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? सही से सुन ना पाने के कारण द्रोणाचार्य जैसे महारथी अगर मारे जा सकते हैं तो हमारा क्या है? सुनो,